हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद से बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के इस ऐलान का स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। चुनाव आयोग ने परंपरागत रूप से फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए देश की जनता को, प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया है। चुनाव आयोग ने अभी तक जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव अच्छे तरीके से संपन्न कराए, वो साधुवाद का पात्र है। भारतीय जनता पार्टी भी इन चुनाव की तारीखों का उत्सुकता से इंतजार भी कर रही थी। साथ ही हम लोगों ने चुनावी तौर पर पूरे तरीके से हम लोग तत्पर और तैयार हैं। संगठनात्मक हमारी जो ढांचा है उसको हमने दुरुस्त कर लिया है। कांग्रेस के मुकाबले संगठनात्मक तौर पर बीजेपी 22 जिलों में कहीं अव्वल है, कहीं आगे है। राजनीतिक तौर पर भी और रणनीतिक तौर पर भी हम पूरे तरीके से तैयार हैं। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे पहले मनोहर लाल जी और उसके बाद नायब सैनी की सरकार ने जिस तरीके से पारदर्शी और निरपेक्ष सरकार चलाई है और उसमें नौजवानों और किसानों को हक को लेकर इतने फैसले किए, मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता एक बार फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए उनके पक्ष में मतदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए संकल्पित है कि लगातार विकास के मुद्दों को लेकर मोदी सरकार ने जो काम हरियाणा में किया, उन सब बातों को लेकर भी हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हम तीसरी बार हरियाणा में बहुमत की सरकार बनाएंगे।